तो हेलो जी, वेलकम बैक टू फादर नेक्स्ट शो। मिंदी के आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है। तो भाई आज हम कंपेयर और रिएक्शन करने वाले हैं नेपाल वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। नेपाल में कौन से एयरलाइंस चलते हैं और इंडिया में कौन से चलते हैं। आई थिंक इंडिया में तो एयर इंडिया ही चलता है और इसके अलावा मुझे नहीं पता। नेपाल में कौन से चलते हैं इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। आई थिंक नेपाली एयरलाइंस होगा। जो भी है, दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और ये वीडियो पर हम रिएक्शन देने वाले, बड़े मजे की वीडियो होने वाली है क्योंकि एयरलाइंस के बारे में अभी तक हमने रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ सिवाय बांग्लादेश के ऊपर एक रिएक्शन दिया, विमान एयरलाइंस के ऊपर हमने रिएक्शन दिया। स्टार्ट करते रिएक्शन देते और उस वीडियो को ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके चैनल का नाम है मिस्टर कामरान, के चैनल को चेक आउट कर सकते हैं, काफी अच्छी वीडियोज बनाते हैं। तो कैसे हैं व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है इस एयरलाइंस कंपैरिजन में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे नेपाल और इंडिया की टॉप 5 एयरलाइंस को। सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नेपाल में जो नंबर 1 पे एयरलाइन है वो है नेपाल एयरलाइंस। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 7 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 36 डेस्टिनेशंस हैं। इस एयरलाइन को 1958 में स्टार्ट किया गया था। नेपाल में जो नंबर 2 पे एयरलाइन है वो है हिमालया एयरलाइंस। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 4 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 10 डेस्टिनेशंस हैं। ये एयरलाइन 2016 में स्टार्ट की गई थी। मतलब 4 साल हुए हैं। नेपाल में जो नंबर 3 पे एयरलाइन है वो है बुद्धा एयर। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 13 एयरप्लेन्स है और इस एयरलाइन की 14 डेस्टिनेशंस हैं। इस एयरलाइन को 1997 में स्टार्ट किया गया था। नेपाल में जो नंबर 4 पे एयरलाइन है वो है सूर्या एयरलाइंस। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 2 एयरप्लेन्स है और इस एयरलाइन की 6 डेस्टिनेशंस हैं। ये एयरलाइन 2014 में स्टार्ट की गई थी। नेपाल में जो नंबर 5 पे एयरलाइन है वो है श्री एयरलाइंस। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 14 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 7 डेस्टिनेशंस हैं। ये एयरलाइन 1999 में स्टार्ट की गई थी। नेपाल में 43 टोटल एयरपोर्ट्स हैं, 19 टोटल एक्टिव एयरलाइंस हैं और 300 टोटल कमर्शियल एयरप्लेन्स हैं। इंडिया में जो नंबर 1 पे एयरलाइन है वो है एयर इंडिया। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 127 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 102 डेस्टिनेशंस हैं। इस एयरलाइन को 1947 में स्टार्ट किया गया था। इंडिया में जो नंबर 2 पे एयरलाइन है वह है विस्तारा। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 42 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 34 डेस्टिनेशंस हैं। इस एयरलाइन को स्टार्ट किया गया था 2015 में। इंडिया में जो नंबर 3 पे एयरलाइन है वह है इंडिगो। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 276 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 87 डेस्टिनेशंस हैं। ये एयरलाइन 2006 में स्टार्ट की गई थी। 14 साल पहले की बात है ये। इंडिया में जो नंबर 4 पे एयरलाइन है वो है गो एयर। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 55 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 38 डेस्टिनेशंस हैं। इस एयरलाइन को 2005 में स्टार्ट किया गया था। इंडिया में जो नंबर 5 पे एयरलाइन है वो है स्पाइस जेट। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 117 एयरप्लेन्स है और इस एयरलाइन की 53 डेस्टिनेशंस हैं। ये एयरलाइन 2005 में स्टार्ट की गई थी। इंडिया में 520 टोटल एयरपोर्ट्स हैं, 52 टोटल एक्टिव एयरलाइंस हैं और 6580 टोटल कमर्शियल एयरप्लेन्स हैं। तो यही था इन दोनों कंट्रीज की एयरलाइंस का कंपैरिजन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मिल सके हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
मुझे तो काफी अच्छा लगा। अच्छा नेपाल की बात करें तो नेपाल में काफी खतरनाक एयरपोर्ट्स भी, टॉप 5 डेंजरस एयरपोर्ट्स इन नेपाल, जिसमें लखला एयरपोर्ट है और भी कुछ काफी सारे एयरपोर्ट्स जो माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए उस एयरपोर्ट से आपको गुजरना पड़ता है। इस टाइम पे हमने एयरलाइंस की बात करें तो टोटल 4 से 5 एयरलाइंस नेपाल में चलती है और इस तरह इंडिया में भी चलते हैं। एयर इंडिया की अगर बात करें तो एयर इंडिया काफ़ी टाइम से हम देखे जा रहे हैं और इंडियन फिल्मों में और इंडियन न्यूज़ के बारे में अक्सर कभी भी शॉर्ट फिल्म्स या वीडियोज़ में भी उनके नाम आ जाते हैं, बट नेपाल के बारे में हम इतना नहीं जानते, नेपाल के एयरलाइंस के बारे में इतना नहीं आया था, बट जैसे नेपाल एयरलाइन के बारे में ये पता है कि और के नाम नहीं पता थे क्योंकि अभी स्टार्ट हुए 2016-2015 इस तरह के। अगर बात करें दोनों की तो नेपाल की एयरलाइंस की जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू इनके कंट्री, क्योंकि इनकी कंट्री काफ़ी छोटी है, 3 मिलियन यानी 3 करोड़ की आबादी है और इनकी डेस्टिनेशन भी कम है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आते जाते नहीं है। अगर बात करें इंडिया की तो जितने लोग नेपाल में, आई थिंक मेरे ख्याल से नेपाल की टोटल पॉपुलेशन वो इंडिया के एक शहर मुंबई से भी कम है, क्योंकि देखो नेपाल पूरे कंट्री में 3 करोड़ लोग हैं तो वो यहाँ से वहाँ जाने के लिए काफ़ी कम लोग हैं, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए पूरे कंट्री में घूमने के लिए उनके पास कम एयरपोर्ट्स है और वही आबादी अगर इंडिया की देखी जाए तो वो एक सिटी में आ जाती है तो वहाँ पे एक एयरपोर्ट या दो एयरपोर्ट हो तो आज ज़्यादातर लोग आते जाते हैं वहाँ पे, एयरलाइंस भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वहाँ पे 130 करोड़ आबादी है। हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है इंडिया नेपाल की कर रहे थे कि कौन कौन से एयरलाइंस हैं, तो मुझे तो दोनों की अगर बात करें अच्छी लगी। अब ये भी कुछ ऐसा भी है, कुछ इंडियन लोग या कुछ नेपाली लोग के ये कहते हैं कि यार आपने इंडिया के साथ हमारा कंपटीशन क्यों किया या क्यों ऐसे वीडियोस बनाए, तो भाई मेरा काम रिएक्शन देना है, मैं रिएक्शन देता हूँ नेपाल और इंडिया के दोनों कंट्री बारे में, कभी नेपाल की अच्छी वीडियोज़ आते कभी इंडिया की, तो इस टाइम अगर मुझे देखा तो दोनों में नेपाल की वीडियोज़ को रिएक्शन तो मुझे अच्छी लगती है। एयरलाइंस के बारे में, इंडिया के एयरलाइंस के बारे में जाना मैंने और इंडिया के एयरलाइंस के बारे में अभी भी काफ़ी अच्छी एयरलाइंस है, नेपाल में भी एयरलाइंस है, नेपाल की बात करें तो नेपाल की काफ़ी सारी वीडियोज़ के ऊपर रिएक्शन दे चुके हैं और खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो कैसा लगा आपको ये रिएक्शन, उम्मीद है कि पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो इस वीडियो के ऊपर जो रिएक्शन दिया उसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इनके चैनल का नाम है मिस्टर कामरान, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग बता सकते इस वीडियो के बारे में कि कैसा लगा, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।